हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज रात के वीवो आईपीएल 2019 के फाइनल्स का प्रीव्यू यानी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का प्रीव्यू आपको पर कार्ड से मिल जाएगा, आपको चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला वुमेन्स आईपीएल 2019 के फाइनल मुकाबले के बारे में, जो खेला गया था वेलोसिटी वर्सेस सुपरनोवास के बीच में। वेलोसिटी की कैप्टन थी मिताली राज और सुपरनोवास की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। यहाँ पर टॉस जीता था सुपरनोवास ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था और वेलोसिटी इसकी बैटिंग की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। 37 रन पर उनके 5 विकेट चले गए थे, जी हाँ 37 रन पे। उसके बाद सुषमा वर्मा ने 40 रन की पारी खेली और एमिलिया कर ने 37 रन की पारी खेली। इस तरह से 121 रन का एक रेस्पेक्टेबल टोटल बनाया था वेलोसिटी ने। सुपरनोवास की सबसे अच्छी बॉलर रही थी तहुहू, जिन्होंने 4 ओवर में 21 रन देके 2 विकेट लिए थे। जवाब में सुपरनोवास की टीम ने 6 विकेट खोकर लक हासिल कर लिया। जी हाँ, 4 विकेट से यह मैच जीता सुपरनोवास ने। उनके लिए हरमनप्रीत कौर ने 37 बॉल में 51 रन की एक शानदार पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिला दी। इस तरह से सुपरनोवास बने 2019 के वुमेन्स आईपीएल फाइनल के चैंपियन और उन्होंने अपनी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हरमनप्रीत कौर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, कप्तान रही और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपनी टीम को चैंपियन बनाने में। तो यह था वुमेन्स आईपीएल के फाइनल के बारे में एक वीडियो। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट सीजन वुमेन आईपीएल में ज्यादा टीमें होंगी, हमको ज्यादा मैच देखने को मिलेंगे और ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। इस बार से 4 मैच थे पर बहुत अच्छा टूर्नामेंट था ये वुमेन्स आईपीएल का, जहां पे सुपरनोवा ने जीत हासिल करी और वो बने इस साल के वुमेन्स आईपीएल के चैंपियन। तो मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। हमारे वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।